नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हिंदुओं के इतने देवी देवता क्यों हैं? अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे ग्रीक, इजिप्ट या भारत, ये सभी बहुत सारे देवी देवताओं की सभ्यताएं हैं। इन सभी में लगभग समान देवता हैं, सूर्य, जल, वायु या बिजली या फिर मौसम के देवता। या हम ऐसा कहें कि सारी प्राचीन सभ्यताएं बहुत सारे देवताओं की सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं में अफ्रीका की जनजातियां, अमेरिका की पुरानी सभ्यता इंका और रेड इंडियन शामिल है। प्राचीन समय में जब पाषाण काल यानी स्टोन एज था, तब भी आदिवासी लोग पत्थर की ही पूजा किया करते थे। खुद को एक ईश्वरवादी कहने वाले संप्रदाय के लोग जैसे मुसलमान अपने धार्मिक स्थल पर जाकर काला पत्थर चूमते हैं। यरूशलम में यहूदी लोग जाकर दीवार पर माथा टेकते हैं और ईसाइयों के चर्च में यीशु या मैरी की मूर्ति लगी होती है। इंसान कहीं ना कहीं पत्थरों से जुड़ा हुआ है। एक मिनट को आप सोचिए कि आप स्टोन एज में हैं, जहां पर आपके रहने के लिए गुफा पत्थर की बनी हुई है, आप शिकार करते हैं पत्थर के हथियारों से, आप शरीर ढकने के लिए जानवरों की खाल पत्थर से बनी सुइयों से सिलते हैं, जब कोई जानवर आपको परेशान करता है तो आप उसे पत्थर मारकर भगा देते हैं, यदि आपको कहीं से गेहूं मिलता है तो आप उसे पत्थर पर पीसकर आटा बनाते हैं और आग जलाने के बाद तवानुमा पत्थर पर उसको गर्म कर लेते हैं, उस पर रोटी पकाकर खाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप पत्थर पूजेंगे नहीं, क्योंकि वह आपको सब कुछ दे रहा है। और हिंदू धर्म में देवता का मतलब है जो आपको देता है उसे देवता कहते हैं, इसीलिए जल देवता, वायु देवता और धरती देवी कहलाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी जिम गए हैं? वहां पर आपको किसकी फोटो लगी हुई दिखाई दी है? क्या लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, क्या गणेश जी की फोटो लगी है या स्वामी विवेकानंद की फोटो लगी है? नहीं, वहां उस समय के अच्छे बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगी होती है। सलून में बाल कटवाने जरूर गए होंगे, आपको वहां पर कभी स्वामी विवेकानंद या अब्राहम लिंकन की फोटो दिखाई दी? नहीं, वहां पर आपको हेयर स्टाइल वाले लड़के लड़कियों की फोटो या फिल्मी कलाकारों की फोटो दिखाई देगी। आप स्कूल जाते हैं, क्या आपने कभी शाहरुख खान, कटरीना कैफ या संजय दत्त की फोटो वहां लगी हुई देखी है? वहां पर आपको अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या अंबेडकर की फोटो लगी हुई मिलेगी। आपने देखा होगा कि यदि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके घर में विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की फोटो लगी होती है। कोई एक्टर बनना चाहता है तो वह अमिताभ बच्चन, शाहरुख या दीपिका की फोटो अपने घर में लगाता है। दुनिया में 90% लोगों को आदर्श की जरूरत होती है। मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर कहते हुए पाए गए हैं कि अगर कोई भी चीज जो आपको प्राप्त करनी है, आप उसका विजुअल हमेशा अपने सामने रखें। उदाहरण के लिए मुझे एक ड्रीम कार चाहिए, तो मुझे अपनी ड्रीम कार का फोटो ऐसी जगह चिपकाना होगा जहां पर मेरे उठते बैठते मुझे वह फोटो दिखाई दे, ताकि मेरा दिमाग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको पाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहे। एक दिन निश्चित ही वह मुझे मिल भी जाएगी। ऋग्वेद में कहा है कि जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसका देवता होता है, जिसे पश्चिमी ट्रांसलेटरों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके कारण आर्य इन्विजन थ्योरी यानी आर्य आक्रमणकारी थे और वे बाहर से आए थे ऐसा कहा गया। परंतु इस सूक्ति का असली मतलब यह है कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे देवता की उपासना करो। यदि आप ताकत चाहते हो तो हनुमान जी, पैसा चाहते हो तो लक्ष्मी जी, विद्या चाहते हो तो सरस्वती जी, और पशु पक्षी प्रेमी हो तो गरुण या वासुकी की शरण में जाइए। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी आदर्श की जरूरत होती ही है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं में बहुत सारे देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से सोचता है, उसकी जरूरत अलग होती है, इसीलिए हर व्यक्ति को अलग अलग देवता अपने लक्ष्य के अनुसार चुन लेने चाहिए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि कौन से देवता सबसे शक्तिशाली हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। ईश्वर के बारे में एक बात कही जाती है जो प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है कि ईश्वर दृष्टा होता है, यानी उसका काम केवल देखने का होता है। उसने प्रकृति बना दी, उसने भौतिक और आध्यात्म के नियम बना दिए हैं जिन पर सारी दुनिया चलती है। यदि कोई व्यक्ति चलती हुई ट्रेन के सामने आ जाए तो इस बात की 100% संभावना है कि वह जीवित नहीं रहेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह आदमी भगवान को कितना पूजता है, वह आदमी अच्छा है या बुरा है।
भगवान ने कुछ नियम पहले से ही बना रखे हैं। आप उन नियमों के विरोध में जाओगे तो निश्चित ही नुकसान पाओगे। ईश्वर दृष्टा है का मतलब यह नहीं कि वह बैठा बैठा बस देखता रहता है। उसने कई और सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें एक अवतारवाद का सिद्धांत भी है। उसने केवल भौतिक के नियम ही नहीं बल्कि आध्यात्म के नियम भी बनाए हैं, जिन पर चलकर मनुष्य उन चीजों को जान पाता है जो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। प्राचीन काल में जितने भी खोजी लोग थे सभी दार्शनिक या आध्यात्म से जुड़े हुए थे। आज जो भी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं वह सब ईश्वर की दी हुई उस आध्यात्मिक ताकत के कारण ही संभव हो पाया। कुछ सिद्धांत उसने सभी प्राणियों के लिए बनाए हैं और कुछ केवल मनुष्यों के लिए। उसने एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम है आस्था का सिद्धांत या लॉ ऑफ फेथ। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके लेखक ने एक बात कही, किसी भी नौकरी का कोई भविष्य नहीं होता, भविष्य उस आदमी का होता है जो वह नौकरी कर रहा है। इसी तरह से कोई भी भगवान शक्तिशाली या कमजोर नहीं होता, बल्कि शक्तिशाली और कमजोर होता है वह भक्त जो उसकी भक्ति या आराधना कर रहा है, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति से कर रहा हो। संत रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से जाना जाता है, गंगा माता के अन्यन भक्त थे। उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए ताकि वह गंगा जी में जाकर वह पैसे चढ़ा सकें। क्योंकि संत रैदास काम में व्यस्त थे इसलिए गंगा नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा, जब तक गंगा मैया हाथ बढ़ाकर आपसे पैसे ना मांगे तब तक यह पैसे गंगा में मत डालना। जब यह लोग गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा माँ ने हाथ बढ़ाकर उनसे पैसे मांगे और उन लोगों को उपहार स्वरूप कंगन दिया। कहा कि इसे मेरे भक्त रविदास या रैदास को ले जाकर दे देना। उन लोगों ने सोचा कि यह कंगन क्यों ना राजा को दे दिया जाए। वे लोग राजा के पास जाकर कंगन दे आए। राजा ने दूसरे कंगन के बारे में पूछा पर उनके पास कोई उत्तर ना था। तब उन्होंने संत रैदास के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। राजा दूसरा कंगन ले संत रैदास के पास पहुंचे। संत रैदास उस समय जूते बना रहे थे, यही उनका काम था। पास ही में कठौती रखी थी जिसके अंदर पानी भर के चमड़ा डाल दिया जाता है ताकि वह फूल जाए। संत रैदास ने राजा की प्रार्थना पर उस कठौती में हाथ डाला और कंगन निकाल लिया। तभी से कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह घटना बहुत सारी जगह लिखी हुई है। आज भी गंगा मैया की भक्ति करने वालों की कमी नहीं है, पर वो लोग क्यों नहीं चमत्कार कर रहे? यह उस भक्त के अंदर की भक्ति की ताकत थी कि उसने कठौती में हाथ डालकर कंगन निकाल लिया। आपने सुना होगा कि भक्त के वश में है भगवान। आप अपनी भक्ति में इतनी धार लाइए कि भगवान आपके वश में हो जाए और आपके अनुसार काम करने लगे। इब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं जिनका वर्णन तोरा, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, बाइबल और कुरान तीनों जगह पर है। एक बार अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उसे हुक्म दिया कि अल्लाह को उसके बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह में उनकी आस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वह उनका हुक्म ठुकरा ना सके। जब वे अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार थे और जब उन्होंने चाकू चलाया तो ठीक उसी समय जिब्रील नाम का एक देवदूत आया और उसने बच्चे की जगह बकरी रख दी और बच्चे की जान बच गई। उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, उसे अपने खुदा पर पूरा भरोसा था। आज तक कोई दूसरा इब्राहिम पैदा नहीं हुआ। हर सांप्रदाय में, हर धर्म में आपको किसी न किसी ऐसे भक्त की कहानी सुनने को जरूर मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस भक्त ने अपने भगवान को वश में कर लिया था। उसकी भक्ति में ताकत थी, उसकी आस्था में ताकत थी। एक और प्रश्न है कि किसकी उपासना करने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं योग कर रहा था और टीवी में बाबा रामदेव योग करा रहे थे। बाबा ने एक बात कही कि इस दुनिया में कोई भी काम लाभ के लिए किया जाता है। यदि आपको कोई लाभ नहीं है तो आप उस काम को नहीं करेंगे। उपासना भी मनुष्य लाभ के लिए ही करता है, चाहे आंतरिक शांति के लिए करे, पैसे के लिए करे या शक्ति अर्जित करने के लिए करे। उसका मानना होता है कि यह देवता जिसकी वह पूजा कर रहा है वह उसके जीवन की परेशानियों को कम करेगा तथा उसकी तकलीफों को समाप्त करेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक भाषण दिया था। उन्होंने एक शिव पुराण और एक गीता का श्लोक सुनाया था। वो दोनों श्लोक के अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। गीता का जो श्लोक है वो अध्याय 4 का 11वां श्लोक है। उसका मतलब है कि जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ।
लोग अलग अलग रास्तों द्वारा अंततः यत्न करके मेरी ओर ही आते हैं। दूसरा श्लोक है शिव पुराण से, जिसका अर्थ है नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े और सीधे रास्तों से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिलते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मुझे कोई एक धर्म ऐसा दिखा दो जो यह कहता हो कि यदि तुम मुझे फॉलो करोगे तो नर्क जाओगे, यानी स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हारा नुकसान होगा। हर सांप्रदाय, हर धर्म मोक्ष के बारे में बात करता है और कहता है कि यदि वह इस मार्ग पर चलेगा तो निश्चित ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। कोई भी भगवान जो आपको पैतृक रूप से मिला हो, मतलब आपके माता पिता उसकी पूजा करते हो, या जो आपके गुरु ने आपको दिया हो, जैसे कई बार लोग नामदान ले लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि भगवान के इस रूप से मैं जुड़ा हूं या जुड़ी हूं, तो उसकी आराधना आपको करनी चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए और आप पाएंगे कि वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे वाला सौदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहें।